इस रास्ते से मैं भी चलने वाली हूँ अभी। ये लोग दोनों चले गए, बस सब जा रहे हैं। तू इधर का नहीं है, राइट साइड के ऊपर, और ये ऐसे हिलता है वहां से। उससे पहले ये देख लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हम निकल पड़े हैं ट्रैक पे, देवरिया ताल वाले ट्रैक पे। थोड़ा लेट हो गया पर ठीक है। एनीवेज पहले एक बार ट्रायल रन हो चुका था थोड़ी देर दूर तक, तो अभी फाइनली हम फुल ट्रैक करने वाले हैं। और ये देखिए साथ में कुछ और भी लोग मिल गए, वो हमारे होमस्टे में रुके हुए थे। और ये विशाल, हेलो। फाइनली आज ऑफ टू द ट्रैक एंड होपफुली विल कंप्लीट। और ये हमारे गुरुजी, हाँ चलो। अच्छा अब देखिए ये बाइक करनी पड़े फुल स्टाइल मार के ऊपर, क्योंकि आगे कुछ है नहीं ज्यादा। इससे मुझे मजा आ रहा है, डोंट वरी। अरे यहाँ रशीद बैठ है, उसका आएगा क्लाइंब आपको बड़ा, ओह उसका आगे तक नहीं देखना है, आपको यही दिख जाएगा। स्टे ट्यून्ड। नहीं 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 ये आपको पहला हाय हाय सुनाई दिया। मेरी सांसें फूल रही है। चलते रहो चलते रहो। हम यहाँ से ऊपर आए हैं। दिस वॉज द वे, वी आर मिड वे देवरिया ताल की तरफ। और ऐसा रास्ता है, आगे दिखाते हैं आपको फिर से। तब तक हम दोनों को देख लीजिए, हम ऐसे लग रहे हैं। कम हाँ, तब से छुपाई जा रही है मेरे को, किसी बंदे ये देखो। ऑल राइट चलो 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 चलो। सो इस रास्ते से मैं भी चलने वाली हूँ अभी। ये लोग दोनों चले गए, देखिए कहाँ छुप गए, पीछे पत्थरों के पीछे। सो वेरी रॉ, वेरी एडवेंचरस एंड रियली प्लेजेंट। ये देखिए पीछे वाला रास्ता जहाँ से मैं आई, जहाँ से हम चल के आए, ऐसा है। और वो विशाल खड़ा है वहाँ पे, मैं भी जाने वाली हूँ अभी। चलिए मेरे साथ, आइए आइए आइए। और हम आ गए थोड़े से नैरो रोड पे ऊपर। और ये पॉटी, खच्चरों की पॉटी, ये देखिए ऊपर का व्यू क्या मस्त लग रहा है। क्लियर नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लाउड्स है, नीचे आ गए, बहुत ठंड है, बट सनराइज भी है तो अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ी सी सांस फूल रही है, बट यही तो एडवेंचर है, इसी में तो मज़ा है। क्यों दोस्तों, हाँ मजा आ रहा है। हाय, यहाँ से चल के आए हैं और आगे जाके यहाँ पे दो वेज है, सो राइट या लेफ्ट। सो यहाँ पे एरो बनी हुई है पीछे, यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, सो इट सेज कि नो यहाँ नहीं जाना। सो हमें यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना, तो फिर हमें यहाँ जाना है, तो यहाँ चलते हैं। और आगे देखिए यहाँ एक मंदिर है, छोटी सी मंदिर है उधर दूर में, यहाँ पे ये लोग गप्पे मार रहे हैं। ये है मंदिर अगर दिख रही है तो, और ये है नज़ारे। हाय हाय मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है ना व्लॉग में। आप में से कितनों ने देवरिया ताल ट्रैक किया है और कैसा एक्सपीरियंस था, कब गए थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर हुआ क्या, कितने में तक किया? यहाँ से हम लोग आ रहे हैं एंड दिस इज द रोड वी आर गोइंग अप, दो स्ट्री लाइंस एंड हम लोग प्रोबेबली लेक पे पहुंच जाएंगे। रशीद गाइड कर रहा है, बीच में हमारी बाइकरनी हवा में उड़ता जाए डांस कर रही है। आएगा मेरा रील। चलिए लेक पे मिलते हैं। देखिए व्यूज, और हम यहाँ से आए, हम ऐसे ऐसे और ऐसे आए, अभी ऐसे जाने वाले हैं।
वापस सब जा रहे हैं। ऐसे रोड है। हाँ छोटा सा जंगल है यहाँ, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और उधर व्यूज आपको आगे जाके दिखाते हैं। बहुत ठंड है। सो ये रहा देवरिया ताल, यहाँ ये है, यहाँ से हम गोल घूम के आए। एंट्री फी लगेगी। यहाँ पहाड़ों में दो लोग बैठे हैं, वो आपको टिकट्स भी देंगे, 150-100 वैसा ही है। कैमरा का अलग से है तो अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हो। यहाँ पे बहुत लोग मस्ती कर रहे हैं तो हम दूसरे वाले व्यू पॉइंट पर जा रहे हैं, फिर वापस आपको ये वाले व्यू पॉइंट के भी वीडियोज़ दिखाएंगे। यहाँ से चल के ऐसे आना है और ये दूसरा वाला व्यू पॉइंट। हम जा रहे हैं ऊपर, थोड़ी सी और ऊपर, जंगल है, मस्त वाले व्यूज़ है, मस्त ठंडा है। इफ़ यू वॉन्ट टू प्योरीफाई योर लंग्स, योर सोल एंड टू फील अलाइव, दिस इज़ द प्लेस। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ेदार नज़ारे हैं एंड वॉट अ प्लेजेंट व्यू। लुक एट द ग्रीनरी, वाओ लवली। टफ ट्रैक, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बिगनर्स के लिए अच्छा है। मे बी बिगनर्स के लिए आप धीरे धीरे रुक रुक के आ सकते हो, यू कैन स्टॉप फॉर 5 मिनट्स, वॉक फॉर 10 मिनट्स, अगेन स्टॉप फॉर 5 मिनट्स, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा वैसा, बट इट्स वेरी नाइस। आपने देखा होगा ब्लॉग में अभी कैसे हम आए, कहाँ में रुके, क्या फ़ोटोज़ खींचे, कैसे व्यूज़ थे। सो सारी थकान मिट जाएगी यहाँ पर पहुँचने के बाद। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग, दैट्स वाई यू ट्रैवल। और यहाँ एक वो रचित और विशाल वहाँ वेट कर रहे हैं मेरा। यहाँ ऊपर एक व्यू पॉइंट है, वो दिख रही है दूर में, ये वाली, वहाँ पे हम चढ़ेंगे, ये वाली चढ़ के फोटोज़ लेंगे, वीडियोज़ लेंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ से। उससे पहले ये देख लीजिए, ये है, यहाँ से मैं चल के आई और ऐसा है, और मैं थकी हारी नहीं, मज़ा आया, बट ट्रैक करने में थोड़ा सा तो एनर्जी जाता है, बीच बीच में पानी पीते रहिए, पर बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पहुँच के सारे कुछ, सारी थकान, सारी सब कुछ भूल जाओगे, बस सोक इन द नेचर। चलिए आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं। सो मेरे चढ़ने से पहले ये दोनों चढ़ने वाले, तुम भी चढ़ने वाले हो? ऑब्वियसली। तो जाओ बैग दे दो, मेरा पहले शूट। एक बंदर चढ़ रहा है, देख के इसका स्क्रू इधर का नहीं है, राइट साइड के ऊपर, और ये ऐसे हिलता है। ये चढ़ गया ऊपर। चलो अब मैं इधर ऊपर से आप लोगों को व्यूज दिखाता हूँ। ये जो व्यूज है, ये इधर ऊपर से एक पैनोरमिक लिया जाए। ये है वो सीढ़ी जिससे चढ़ गए हैं, एंड नाउ यू विल सी द व्यूज। ओके फ्रेंड्स, सो वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम स्टे, बैक टू द सारी विलेज। देवरिया ताल से निकल रहे हैं अभी हम, बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाए, घर पे भी कॉल कर लिया, ब्रेक भी ले लिया, पानी पी लिया, थोड़ा सा कुछ खा लिया। अब गेटिंग बैक टू द होम स्टे बिकॉज लेट हो जाएगा, हमको शाम को सनसेट पॉइंट भी जाना है। सो ये रही व्यूज़ वन लास्ट टाइम, देख लीजिए। एंड यहाँ पे ये थी,
और ये लोग बात कर रहे हैं, अभी हम निकलने वाले हैं। सो अभी इधर से वापस जाना है हमें फिर से वो लेक के दूसरे वाले व्यू पे, और हम यहाँ से ऊपर चढ़े थे व्यू देखने के लिए, वो ऊपर वॉच टावर था। अरे एक और है। बालों का तो बुरा हाल हो गया, कैसी लग रही हूँ मैं, बाल वाल बस। वेकेशन पे आओ, माउंटेन्स पे आओ, बाइकिंग करो तो फैशन का तो, और विंटर में तो बस जैकेट्स, वार्मर्स, ट्रैकिंग वाले शूज। ये दिख रही है, ट्रैकिंग शूज, ये ट्रैकिंग शूज, ये स्नो पैंट्स जो ट्रैकिंग के लिए होती है आइडियली, एंड ये जैकेट ज़्यादातर ही डिकैथलॉन से लिया हुआ है, और सनग्लासेस, ये वार्मर टोपी ये चाहिए और क्या। सो गाइज, हम अपने होम स्टे पहुँच गए हैं आफ्टर द ब्यूटीफुल देवरिया ताल ट्रैक। अमेजिंग ट्रैक, ऑसम डेस्टिनेशन, और अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे फ्रेंड को थोड़ा दिखा देते हैं तब तक के लिए। और हमारे ये फ्रेंड हमारे वेट कर रहे थे यहाँ पे। छोटू वाला कहाँ है? छोटू वाला आगे निकल गया थोड़ा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।